प्रचार का असर गजब है। एक पत्थर को कहते हैं भगवान है, गजब दे गजब दुनिया पत्थर, करोड़ों आदमी मर रहे हैं वहां, जान दे रहे हैं। तो आप ये मानोगे कि प्रचार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गलत है। प्रचार जो है वो एक से एक कमाल करता। अब सरकार ने जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो वो क्या कह रहे थे कि हम बाहर बहुत पैसा जमा है, इस देश के लोगों ने लूट के ले गए हैं और लुटेरों ने वहां जमा कर दिया है और वहां से हम ले आएंगे। अब आप बताओ यूरोप के सामने इनकी कोई औकात है क्या? औकात चीन की है। ये तो सिर्फ यानी बताते हैं कि हम फलाने ओबामा के साथ गले मिल लिए, कहीं कुछ कर लिए, नाटक ही नाटक होते रहता है, कुछ ही नहीं है ये। तो ये कह रहे थे कि बाहर पैसा जमा है, अभी स्विस में अभी स्विट्जरलैंड गए थे, वही कह रहे थे बहुत पैसा जमा है। और इस देश के लोगों कह दिया कि 15 लाख हर आदमी के, और इस देश का आदमी यकीन नहीं करता इतने बड़े पैमाने पर ये पार्टी जीत जाए जिसका काम ही सिर्फ दंगा कराना है। अब दंगा कराने से यदि नौकरी मिल जाए, दंगा कराने से यदि खेत में पानी आ जाए या फसल निकल आए, लेकिन ये देश बढ़ गया दंगे से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि 15 लाख कर दिया नोटबंदी, उसमें भी गप लगाए हुए हैं कि नोटबंदी से बहुत काला धन आ गया। अब सारा टीवी वाला सारा चीज जो है वो दिन भर सेठ जो है डरा हुआ, सरकार उनके हाथ में, टीवी तो सेठ के हाथ में, चार तरफ प्रचार चल रहा। कहा कि हम 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे हर वर्ष। अब कह रहे पकौड़ा भी एक रोजगार है। बात यानी उनने जो कही है रोजगार देंगे। अब रोजगार तो खेत में काम करना भी है, रोजगार जो है वो पकोड़े बनाना भी है, चाट बनाना भी है। यानी यही मतलब समझ नहीं आ रहा कि 2 करोड़ लोगों के लिए उनने कहा कि मुद्रा योजना में हमने 10 करोड़। अब कहीं मुद्रा योजना का आदमी कहीं ढूंढे ही नहीं मिलता का कहां मुद्रा योजना से कोई आदमी खुद रोजगार पा रहा। ऐसे ही ये है बजट। ये बजट जो है इसमें एक अच्छी बात है कि ये बजट जो है वो सोचे थे कि किसान को, गरीब आदमी को, चुनाव आ रहा है तो वोट बटोरने के लिए उन्होंने ये काम किया है। मगर मैं आपको बता दूं कि जो भी आदमी यहां से जाए वो हर जगह समझाए कि इन्होंने 50 करोड़ आदमी को कहा है कि हम इलाज कराएंगे। इसका प्रचार आप भी कर दो, ये झूठ बोला इनने। और यदि सही नहीं निकले तो फिर दे बटन इनको लस्त और पस्त करो, मारो इनको, यही रास्ता है। ये बाबा साहब ने इतना बड़ा हथियार दिया, लेकिन हम इस कमरे में बैठे हुए लोग हैं, ये जात हमको खा गई, हजारों साल से खा रही है, अभी भी खा गई। जात 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 जमात नहीं बनेगी। ये जो कास्ट सिस्टम जो सिस्टम है इसका तबाही और बर्बादी नहीं होगी। जात को भाई छोड़ नहीं सकते, जमात तो बनाओ। 80% वोट है और हम जो है वो बजट बना नहीं रहे, बजट पे बहस कर रहे हैं। बताओ यानी गरीब आदमी एक आदमी बैठ जाए तो एक बजट से रास्ता निकल जाए। एक बजट बना, एक बात कही जाए कि हर खेत में पानी जाएगा, बस कुछ नहीं।
वहां रोजगार भी पैदा होगा, खेत भी हरा होगा। यानी जब खेत हरा हो जाएगा, जब कहते हो कि हिंदुस्तान गांव में रहता है, 70% ही आदमी खेती में लगा है, तो जहां पानी गया वहां जो अंतिम आदमी रोजगार, जो अंतिम आदमी है, सबसे गरीब आदमी, उसकी मजदूरी बढ़ गई। यानी कोई आदमी एक अच्छा काम कर दे, वो कभी 70 वर्ष में नहीं हुआ। अब इन्होंने जो काम किया है इस बार, वो चुनाव के लिए किया है। और मैं मानता हूं कि यदि हम ठीक रहे तो ये बुरे फंस गए, इनका बाप नहीं दे सकता। ये जो कह रहे ना 50, ये सबके सब संघ के लोग हैं, सारे लोग लगे हैं, और इतने अफवाह फैलाते हैं, इतने संकट है वो लोग, हम लोग इतने असंकटित हैं, इतनी दुकानें हमने खोल ली हैं। मैं आपको बताऊं कि रोज 3 या 4 आदमी अपने अपने इलाके में मुझे अपना संगठन बनाकर बैठा हुआ, उसमें बुलाता है, अरे साहब आपके पास एक ही हथियार है, ये जो बैलेट पेपर है, यही हमारे पास ज्यादा ना पूंजी है, ना संपत्ति है, और ना हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, ना जुडिशरी है, ना कोई चीज है, एक बैलेट पेपर है, उसकी संख्या हमारी ज्यादा, लेकिन हमारे बीच में 1 लाख जात है, करें क्या, कान फूंक दो अपनी जात खतरे में, अरे जात ने तुम्हारा नाश कर दिया। 1/4 आदमी आबादी जो है वो छूते नहीं थे लोग, जो पिछड़ी जातियां हैं दे आर दी सूत्रास, लेकिन उनको सूत्र कह दोगे तो बुरा लगता है उनको, ये वर्ण में ही नहीं आता, जो दलित है, जो अंत्यज है, ये पंचगामी है ये। और मैं मानता हूं कि इनको समझने में दलित ने तो थोड़ा अपना हौसला दिखाया है, लेकिन जैसे ये अपना ताली बजाने वाला होता ना, इसी तरह ये पिछड़ी जात का आदमी इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, ये बिचौलिया है, तो नाश करके रखा है, ये ठीक नहीं हो रहा। दलितों में तो रास्ता निकल रहा, लेकिन दलितों में जो है वो 25 पार्टी बना रहे हैं, हर एक आदमी दलित का नेता बन गया। अरे भाई ये वोट जो है जितना इकट्ठा होगा, जितना इकट्ठा वोट होगा उतना आपका रास्ता बनेगा। और ये जो बजट है ये तो कहां, बीजेपी फंस गई है, बीजेपी पहली बार फंसी है, ना ये 50 करोड़ इनका बाप कुछ नहीं कर सकेगा, ना कहीं हो सकेगा, ऐसा तंत्र है सब खा पी जाएगा। ये जो मनरेगा है ना, मनरेगा जो है ना, वो मजदूर से 30 दिन का दस्तखत करा लेते हैं, 30 दिन का दस्तखत करा लेते हैं, अब आदिवासी इलाके में रहते हैं आप, 30 दिन का दस्तखत करवाते हैं, और उसको 2 दिन का 1 दिन की मजदूरी दे, दारू पिएगा और 30 दिन के काम पर दस्तखत कर देगा, अंगूठा लगा देगा। ऐसे इसमें होने वाला है, जितने प्राइवेट अस्पताल है ना, ये अब झूठे ही भर्ती कर लेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन को, और बिलो पॉवर्टी लाइन का भी खुश हो जाएगा, उसको मतलब 1000 रुपए दे दो, उसी मजा लेकर भाग जाएंगे, कुछ भूखो मर रहा है, 1000 रुपए उसके लिए काफी चाहिए, क्योंकि उसकी चेतना हम जगा नहीं पाते। तो मतलब यह है कि ये जो बजट है इसमें एक सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसको मैं ज्यादा बोल रहा हूं, बाकी जो आदिवासी है या जो दलित है, यदि अलर्ट हो भी जाएगा तब तुम्हें कहां मिलता है। इंदिरा आवाज इतने दिन से लगा हुआ है, कब इंदिरा जी ने लगाया था, कितने बरस हो गए, अब तक सब मकान बन जाते हैं, अलर्ट करने से क्या होता है। यानी डाबाबा साहब ने कहा था कानून कितना ही अच्छा बना लो, यदि कानून लागू करने वाले की नियत ठीक नहीं होगी तो वो कानून कोई काम का नहीं। ऐसे ही हाल है ये बजट का, इतने ही समझ लो। तो ये फंस गए हैं, ऐसे है 50 करोड़ लोगों के नाम पर ये बुरी तरह से फंस गए हैं, इसका प्रचार जोर से कर दो, ये होने वाला नहीं है, किसी सूबे की कुवत नहीं 40 दी, ये गप लगा दी, उन्हें गप लगा दी, मतलब कहा था कि 1.5 गुना दाम देंगे किसान को, अभी फिर कह दिया आने वाली फसल के देंगे। यार ये है ऐसा देश, हम हंस जरूर रहे लेकिन हमें गप का
यानी हमें गप और अब्बा हम खाते हैं पीते हैं उड़ते हैं। ये आला उदन की किताब क्या चीज है भाई, धरती में ऐसी कोई गप की किताब नहीं मैंने देखी। एक को मारे दस मार जा, और लात खाने में रिकॉर्ड है। एक युद्ध नहीं जीते कोई हमलावर हो लात खा के। वो कह रहे सॉरी हम वीर है, ये कह रहे वीर है, तुम कौन सा युद्ध जीते जो वीर हो। हर बार लात खाने में रिकॉर्ड है इनका मेरे वालों। तो कह रहा मन इसलिए कि आपने समाज बांट के रखा है, आपने समाज को यानी एक तरह से इतने खंड खंड कर दिए हैं कि पाखंड ही पाखंड करते रहता है। इसलिए बात को समझ लो कि सबसे ज्यादा प्रचार इन्होंने हेल्थ, उसका नाम क्या रखा, हिंदी का बड़ा अच्छा नाम है मोदी केयर ने, वो तो उससे पहले लिया नकल करना ओबामा केयर से नहीं, लेकिन उसका एक अच्छा नाम रखा हिंदी में ना ना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर, हेल्थ एंड वेलनेस। नहीं नहीं आपको मालूम है आयुष्मान। अब आइए आयुष्मान, इसमें आग लगे क्या चीज है आयुष्मान, इसका अर्थ लगा मुझे कोई बताए आयुष्मान से क्या मतलब है। ये फ्रॉड लोग हैं, ऐसा शब्द रख दिया है कि समझ ही नहीं आएगा। अब वो गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। मैंने कहा ना भाषा एक डंडा है, उस डंडे से देश चल रहा कई वर्षों से। एक वोट मांगने की भाषा है, हम जेल में बंद थे तो जो लाइफर होता ना तो वो केस लड़ते लड़ते कानून समझ जाते थे, वो इतनी आसानी से हमको समझाता था कि इस कानून को ऐसे निकाल सकते हैं, जरा सी चीज है। अब उसमें जो वकील है वो एक एक केस खड़े होने के 30 लाख ले रहा, खेत खलिहान आदि बेच रहा। इसी तरह ये आयुष्मान है। अब आयुष्मान का अर्थ कोई बता सकता क्या चीज है, बताओ ना आयुष्मान क्या है। आयुष्मान का आप अर्थ ही नहीं बता पाएंगे, हर आदमी अलग अलग बताएगा, कहो तुम्हें 4-5 आदमी खड़ा कर दो। ये बड़ी भारी ऊंची चीज है, ये भाषा का डंडा और भाषा का शब्द, यानी ऐसा शब्द तो कभी किसी स्कीम में नहीं आया 70 वर्ष में, जो समझ ही नहीं आए आयुष्मान। अब उनको पकड़ के कहना चाहिए आयुष्मान तू नाम है क्या है तेरा, इसलिए ये जो एक स्कीम में फंस गए इसको प्रचार कर दो। और ये पहले भी जो वादे सब किए वो झूठे हैं, फिर ये वादे किए झूठे, ये सपना दिखाने वाली सरकार है और ये दंगा कराने वाली सरकार। दंगे से ना खेत में पानी आए, दंगे में लाठी उठाओ और इनको मुसलमान को बचाओ। मुसलमान जो है वो सौ सचेत है, तंग है, देश बट गया, अब वो यहां रहना चाहता, ये उसको। अब बताओ आपका कासगंज में हिंदू ने हिंदू को मार दिया और मुसलमान घर में घुस के मार रहे हैं उनको। तो असली चीज है कि दंगे से मुक्ति जो है वो हमारी मुक्ति है। हम इंसान बन जाए और इंसानियत धरती पे लाएंगे, और कोई बजट तो है ही इस समय सम्मेलन में आपसे कहता हूं, जिस मोहल्ले में रहते हो ये दंगा करे। मैं जब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना तो मैं आपको बताऊं कि मैंने पहला भाषण, कोई आदमी मुझे मिल गया था ठीक आदमी समझाने वाला, तो मैंने पहला भाषण किया था, उषा भार्गव कांड हुआ था, कि मैंने कहा मैं मेरे टेन्योर में दंगा नहीं होने दूंगा। और वो 3 साल तक मैं सफल रहा, आज तक वहां दंगा फंगा नहीं होता। तो उसको ऊपर बोलूंगा ये टीवी वाला बेटा छाप देगा कहीं गलत बात है। ये भी बाफत है, यानी अच्छी बात जो है वो कह दो तो उसका भी वो अर्थ जो है वो राष्ट्रवाद आयुष्मान आयुष्मान स्कीम लाए हैं।
तो ये स्कीम दांत से पकड़ लो, और आपसे माफी चाहता हूं, मैं जा रहा हूं। और डी राजा जो है वो आर्थिक मामलों के काफी एक्सपर्ट है, सो ही विल टेल यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दलित, रिगार्डिंग ट्राइबल, रिगार्डिंग फार्मर्स। अब ये जो आदिवासी है, इसकी तो कोई सुनने वाला नहीं। कैसी दुर्गति है कि इस देश में, जो इस देश का 11 करोड़ आदिवासी है, उसे जबरदस्ती हिंदू बना रहे हैं, उसके बीच में जाकर बांट रहे हैं कोई ये पत्थर की वो बना लेते हैं, हनुमान बख क्या बांट रहे हैं आप, घूम रहे हो नहीं, हनुमान चालीसा बताओ, कह रहे हैं कि हमारा सर्जरी इतनी ताकतवर थी कि हाथी और आदमी का जोड़ देते थे हम, और ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहा, और आदिवासी हिंदू ही नहीं है, वो संस्कृति का पूजक है। तो इसलिए ये एक स्कीम में फंस गए आयुष्मान में, आयुष्मान भव कर लो इनका, ये कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है, ये सारा का सारा जितना भी जो बजट है ये कोई इसका माने नहीं, इसका किसान से कोई वास्ता नहीं। 1.5 गुना कीमत जो है वो MSP से देंगे, MSP ठीक नहीं है, MSP जो होती है किसान की वो बिल्कुल कम है, तो MSP कम है और 8% लोगों से खरीद हो रही है, तो ना किसान का है, ना मजदूर का है, और ना इलाज का है, ना आयुष्मान का है। इनका इलाज करो और इनको हटाओ, नहीं तो ये बाबा साहब की किताब है, जो मौका मिला ना यहाँ मीटिंग करने का, इनकी फिर से सरकार बन गई तो यहाँ आ नहीं पाओगे आप, फिर बोल नहीं पाओगे, ये एक से एक दंत बंद कर देंगे। और जो पार्टियां गोलबंद नहीं हो रही है, दुकानें खोल कर रखी नहीं सब लोगों ने, इनको लठ मारो, इनको दौड़ाओ, ये इतना बड़ा देश 125 करोड़ का, तू पार्टी बना घूम रहा बन, यानी अच्छा पार्टी तूने बना ठीक है, तू एक हो जा, सबको एक करो, ये जितनी पार्टियां हैं सबको खबरदार, पहले संविधान बचाना है, जब खेती नहीं बचेगा तो फसल कहां से निकालोगे। इमरजेंसी में जयप्रकाश जी ने जब 4-5 पार्टी के लोग आए तो उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगे, और चीज के बारे में पूछने, बोले भाई ये तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो, या तो तुम एक हो गए एक हो जा, और नहीं मुझे छुट्टी कर दो। अब जयप्रकाश को ये नहीं, अब तो और ज्यादा पार्टी बन गई, मुर्गी अंडा जो देती है वो कम देती है, ये ज्यादा अंडे दे रहे, मतलब यानी इतने रोज 2-3-4 पार्टी बन जाती है। अभी मैं अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो मुझे वो चुनाव आयोग बताया कि 250 पार्टी हर साल बन रही है, अरे वो डंडों से मारना चाहिए साहब, 100 वो जयप्रकाश जी हमारे 4 पार्टी थी, तो ये पार्टी अभी बन गई है, अपने बस में नहीं है, इन्होंने समाज बांट दिया है। इसलिए एक काम और करो, बजट तो गड़बड़ है ही, ये पूरी पार्टियां भी गड़बड़ है, हर जगह हर नेता को पकड़ कहो के नेता हो, तू एक हो जा, नहीं वोट नहीं मांग सकता, ये वातावरण बनना चाहिए, ये सब पार्टियों को एक करो। हम लोग भी लगे हैं, टी राजा भी बेचारे लगे हैं, बाकी लोग भी इस काम में लगे, हो सके तो जो गन्ने का रहता ना लठ हाथ में ले लो, असली लठ मत लो, गन्ने का लठ ले लो, लेकिन इनको सबको बचाओ, नहीं संविधान जाने वाला है, आप फिर मीटिंग नहीं कर पाओगे यहाँ, मैं आपको सच कह रहा हूं, आज लिख लेना मेरा कहा हुआ आपने कि ये संविधान में जो हक मिला है, तो हर नेता आता ना वोट मांगने गप लगाने, वो सब बंद होने वाला, सब बंद होने वाला, सारी कुर्बानी, इतनी कुर्बानी के बाद इतनी बड़ी नियामत हमारे हाथ में आ गई है, ये खतरे में जाने वाली है। तो इसलिए ये जितनी पार्टियां हैं उनको जा के जहां जहां भी जाते हो, और जो जो संगठन बना रहे हैं वो एक ही काम करो कि ये 19 में इनको हराओ,
ये जो सरकार है इसको हटाओ, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान बदलेंगे। एक आपका मंत्री है अनंत हेगड़े, मंत्री कह चुका है, उससे ज्यादा और किसी की दूसरी गवाही चाहोगे क्या? जो संघ के कबड्डी करते हैं ना, जो चड्डी पहन के कबड्डी 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 और फिर अब्बा फैला देते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ भी समझाते हैं। संगठन जिसके पास होगा तो महात्मा बुद्ध ने एक बात कही, उसको मत भूलना। महात्मा बुद्ध से आनंद ने पूछा कि क्या बात है कि जो खराब लोग हैं, गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनका प्रताप बहुत रहता है, उनका जलवा बहुत रहता है। तो बुद्ध खड़े होकर के आनंद की तरफ मुड़े कि देखो एक काम करो, तुम मेरा साथ छोड़ दो। और ये मंजर आता ना, मंजर अपने यहां जो आम पर यूपी बिहार में मंजर बोलते हैं, बाकी इलाके में उसको और बोर बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, फूल जो आ जाता है। तो जो मंजर आता है तो कहा कि देखो तुम खाद डाल दो यहां, जब अमराई में मंजर आ जाए तो खाद डाल दो, और जब तक आम पकने लगे तब तक रहना खाद डाल के। तो बोले सड़ा आम भी टपकेगा और पका आम भी टपकेगा, यानी अच्छाई में ताकत होगी तो वो भी टपकेगी और यदि खराबी में ताकत है तो वो भी टपकेगी। तो संकल्प जो है अच्छे आदमी का होगा, तो अच्छे लोग थे उन्होंने आजादी दिला दी, फांसी चढ़ गए, कुछ हो गए, जेल हो गए, इसी तरह का संकल्प चाहिए। आजादी और कुर्बानी के लिए लोग मरे हैं, अब बचाने के लिए हमको मरना पड़ेगा। उतने मरने की जरूरत नहीं है, मुंह चलाने की जरूरत है, मुंह तो चलाओ, पेड़ से बात करो, खेत से बात करो, मां से करो, बहन से करो, सब तरफ करो, इस पार्टी को हटाओ, इसको इस पार्टी को हटाओ। और मैं तो अकेला इसलिए खड़ा हो गया हूं कि भाई 45 साल से मैं MP हूं, मैं इसलिए खड़ा हो गया हूं कि इस पार्टी को हटाना है, और कुछ नहीं। अब हटे नहीं हटे, हटे या नहीं हटे क्या फर्क है, लेकिन कोई इतिहास जो है वो कल आदमी कोई कुछ बर्बाद हो गया तो फिर उसकी लड़ाई भी होगी, मगर बहुत कठिन हो जाएगा। ये किताब हाथ में जो आ गई है ना, असली गीता ये है, ये फालतू है सबके सब जो इतने तुम्हारे, असली चीज जो जिंदा आदमी की हर चीज तो इसमें लिख गए हैं बाबा साहब। ये संविधान में हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने सब चीज अपने हक में लिख दी है, जरूरत है कि संविधान को अपनी मुट्ठी में कैसे ले, हमारे पास नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दलित न्यूज नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फोन में यूट्यूब खोलें, उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में सर्च करें दलित न्यूज नेटवर्क। चैनल के लोगो पर क्लिक करके चैनल में जाएं और सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको मिल सके हर खबर और रिपोर्ट की तुरंत अपडेट।